लखनऊ में भाजपा की होगी बैठक, चुनावी रथ यात्रा को लेकर हुई बैठक, 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी यात्रा, 6 क्षेत्रों में की सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा, यात्रा के प्रभारियों को बैठक में बुलाया गया। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किशोरी को धमकी देकर युवक ने किया दुष्कर्म, पिता को जान से मारने की दी धमकी, पीड़ित पिता ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। शाहबाद कोतवाली के लोनी गांव का मामला, हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किशोरी को धमकी देकर युवक ने किया दुष्कर्म, पिता को जान से मारने की दी धमकी, पीड़ित पिता ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। शाहबाद कोतवाली के लोनी गांव का मामला, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश, सीएम योगी ने दिए निर्देश, 72 घंटे में 2500 करोड़ का हुआ भुगतान, किसानों के खाते में पहुंचे 2500 करोड़ रुपए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश, सीएम योगी ने दिए निर्देश, 72 घंटे में 2500 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नाराज किसानों ने सड़क की जाम, गन्ना क्रेशर पर तौल बंद होने के बाद नाराज हुए किसान, मोहम्मदी लखीमपुर मार्ग को किया गया जाम, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। नीम का कोतवाली क्षेत्र के सलीहाबाद क्रेशर का मामला, लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नाराज किसानों ने सड़क की जाम, गन्ना क्रेशर पर तौल बंद होने के बाद नाराज हुए किसान, मोहम्मदी लखीमपुर मार्ग को किया गया जाम। हमीरपुर में फटा बस का टायर, बालू लदे ट्रक का फटा टायर, ट्रक के नीचे काम कर रहा मिस्त्री ट्रक की चपेट में आया, मौके पर मिस्त्री की हुई मौत, पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लिया। जलालपुर थाना के भेड़ी डंडा गांव का मामला, हमीरपुर में फटा बस का टायर, बालू लदे ट्रक का फटा टायर, ट्रक के नीचे काम कर रहा मिस्त्री ट्रक की चपेट में आया, मौके पर मिस्त्री की हुई मौत, पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लिया। जलालपुर थाना के भेड़ी डांडा गांव का मामला, हमीरपुर में फटा बस का टायर, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बालू लदे ट्रक का टायर फटने की खबर सामने आ रही है, ट्रक के नीचे काम कर रहा मिस्त्री ट्रक की चपेट में आया, मौके पर मिस्त्री की हुई मौत।